हेलो दोस्तों, मैं राहुल, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम आपके लिए नोवा कंपनी की ये ट्रिमर लाए हुए हैं। इसमें प्रॉब्लम है कि इसमें पावर नहीं आ रहा है। ये यहाँ पे देख सकते हैं 3 वोल्ट का ये एडाप्टर है। इसको मैं पावर सप्लाई में लगाने के बाद इसको हम चेक करते हैं तो यहाँ पे कोई भी इंडिकेट नहीं कर रहा, तो ये कैसे बनेगा लास्ट तक वीडियो में आप ज़रूर बने रहें। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम 6 mm का LED बल्ब ले रहे हैं और इसके बाद हम इसको सप्लाई में लगाते हैं। जो देख सकते हैं यहाँ पे इसका 3 वोल्ट सप्लाई आ रहा है और यहाँ पे मैं ट्रिमर को लगा रहा हूँ तो यहाँ पे कोई भी ब्लिंक नहीं कर रहा, मतलब ये चार्ज नहीं हो रहा है। तो ये कैसे बनेगा आप सब ज़रूर लास्ट तक बने रहें। आइए इसको हम ओपन करते हैं। तो ओपन करने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं इसका ऊपर का हिस्सा, इसको थोड़ा सा राउंड कर देंगे तो ये आसानी से इसका ऊपर का भाग निकल जाएगा। यहाँ पे ऑन ऑफ करने पे भी इसका मोटर वर्क नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे 2 स्क्रू लगा हुआ है, इसको हम दोनों स्क्रू को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने दोनों स्क्रू को ओपन कर लिया हूँ। इसके बाद यहाँ पे मैं इसको निकालते हैं तो यहाँ पे लॉक सिस्टम बना रहता है, इसको थोड़ा सावधानी पूर्वक निकालना पड़ता है। तो यहाँ पे एक साइड का कवर निकल चुका है और दूसरे साइड में इसका बॉडी में यह लॉक बना हुआ है, इस वजह से इसको लॉक को निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे लॉक को निकालने के लिए स्क्रू ड्राइवर की मदद होता है, तो यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको हम निकाल लिए हैं और इसका पीछे का भाग भी ये आसानी से निकल गया है। तो यहाँ पे मैंने इसको देखा तो यहाँ पे कुछ भी बर्न नहीं दिख रहा है और इसके पॉइंट जो पत्ती बना हुआ है इसमें एक साइड में जंग लग गया है और इसके पीछे वाले हिस्से में कार्बन में सब सही है। अब इसका पार्ट भी देख सकते हैं कि इसको मैंने कार्बन साफ करने के बाद इसको फिर से लॉक को मैं बैठा दिया हूँ। बैठाने के बाद इसको फिर से एक बार हम चेक करते हैं कि इसका सप्लाई सही हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं इसको लगाने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे इंडिकेट इसका शो करने लगा। तो इसमें प्रॉब्लम यही था, इसका जो पॉइंट बना हुआ था चार्जिंग का उसमें ये कार्बन लग गया था। तो इसको हम अच्छे से साफ करके फिर इसको ऐसे बैठा दिए, ये आसानी से आपका ट्रिमर तैयार हो चुका है। तो हम जैसे इसको ओपन किए थे वैसे भी इसको हम बैठाते हैं। तो आप देख सकते हैं बॉडी में भी इसका लॉक बना हुआ है। यहाँ पे मैंने दोनों साइड को इसको लॉक को मैं बैठा लिया हूँ। आप देख सकते हैं ये निकल नहीं रहा था और दूसरे का ऊपर का कवर जो है इसको ऐसे बैठाने के बाद, इसके बाद यहाँ पे हम फिर से लगा के चेक करते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे इंडिकेट चार्जिंग हो रहा है। इसके बाद यहाँ पे ऑन करते हैं, देख सकते हैं इसका मोटर भी ऑन हो चुका है। ये निकालने के बाद इसको मैं चेक किया तो यहाँ पे एक ही बार राउंड किया, इसके बाद ये बंद हो गया, मतलब ये अभी चार्ज नहीं है। इसके बाद यहाँ पे हम इसको ऊपर का ब्लेड पॉइंट को हम लगाने के बाद इसको हम चार्जिंग लगा देते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे मैंने चार्जिंग लगा के इसको चेक करें तो इसका ब्लेड वर्क कर रहा है, देख सकते हैं। ये नोवा कंपनी का ट्रिमर है, इसे आप घर बैठे आसानी से बना सकते हैं। इसका स्टैंड भी काफ़ी अच्छा बना हुआ है। आप सबको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।
प्लीज़ आप सब मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और दोस्तों को भी शेयर ज़रूर करें। लास्ट वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।